नमस्कार, पेश है बलिया लाइव का ऑडियो बुलेटिन होत फजीरे का रविवार 27 अक्टूबर 2019 का एडिशन। बलिया वाराणसी मुख्य मार्ग पर शनिवार की सुबह लगभग 3:30 बजे वाराणसी की तरफ से आ रहे एक निजी एम्बुलेंस के ड्राइवर को झपकी आ गई। नगर पंचायत चितबड़ा गांव कार्यालय के पास सड़क के किनारे स्थित गुमटियों से एम्बुलेंस जा टकराया। इस हादसे में कई गुमटियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं। बताया जा रहा है कि गुमटी वालों ने ड्राइवर को पकड़कर हरजाना भी वसूला। चर्चा यह भी है कि मिले हरजाने को आपस में बांटने में भी विवाद हो गया और मामला थाने जा पहुंचा। देर शाम तक थाने में समझौते का प्रयास जारी रहा। तेज रफ्तार बाइक के अनियंत्रित होकर गहरे खाई में पलट जाने के कारण शनिवार की शाम दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने दोनों को CHC सोनवर्षा पहुंचाया, जहां के डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें सदर अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। इस घटना में घायल युवक 28 वर्षीय अक्षय यादव और 25 वर्षीय अशोक यादव बिहार के आरा जिले के कृष्णनगर थाना क्षेत्र के जगतपुर गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बेरुआरबारी का औचक निरीक्षण करने पहुंचे जिले के प्रभारी मंत्री अनिल राजभर। मंत्री ने दो टुक कहा कि क्षेत्र के मरीजों संग कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सिकंदरपुर के कोथ गांव में शुक्रवार की रात चोर दो घरों से मोबाइल, ATM कार्ड, कपड़े सहित नकदी उठा ले गए। चोर जहां रामाधार राजभर पुत्र स्वर्गीय मथुरा राजभर के ट्यूबवेल पर एक बक्से में रखे कपड़े, साबुन और महिलाओं का सामान उठा ले गए, वहीं प्रकाश मौर्य पुत्र स्वर्गीय सतीध्वज मौर्य के घर को भी खंगाल दिए। TD कॉलेज के छात्र नेताओं ने शनिवार को छात्र नेताओं के साथ अभद्रता और जान से मारने की धमकी देने वाले प्रवक्ता के खिलाफ मुकदमा दायर करने की मांग की। इस संदर्भ में पत्रक सौंपते हुए सदर कोतवाली में छात्र नेताओं ने तहरीर भी दी है। श्रीनगर तुर्तीपार तटबंध पर देवमठिया के पास बने रेगुलेटर के मुहाने पर जमा सिल्ट की शिकायत बैरिया विधायक सुरेंद्र नाथ सिंह ने DM भवानी सिंह खंगारौत से की। जिलाधिकारी के निर्देश पर अधिशासी अभियंता ने विधायक को फोन किया तो उन्होंने अधिशासी अभियंता की जमकर क्लास ली और तत्काल जल निकासी की व्यवस्था करने को कहा। विधायक के तल्ख तेवर को देखते हुए अधिशासी अभियंता ने तत्काल मजदूरों को लगाकर रेगुलेटर के मुहाने से सिल्ट की सफाई शुरू कर दी। दिवाली के दिन घर, दुकान और पूजा पंडालों को सजाने के लिए शनिवार को भी फूल मालाओं की खरीदारी किए। हनुमानगढ़ी मंदिर के पास फूलों की दुकान में काफी भीड़ भाड़ रही। दीपावली की पूर्व संध्या पर शहर सहित ग्रामीण इलाकों से भी लोग खरीदारी करने के लिए बलिया सिटी पहुंचे। इसके चलते चौक क्षेत्र सहित अन्य बाजारों में काफी गहमागहमी रही। माँ सुरसरी सेवा संस्थान से संचालित सेवा सदन पब्लिक स्कूल कथरिया में शनिवार को दीपावली मनाई गई। इसमें बच्चों ने रंगोली बनाकर समाज को संदेश दिया। उधर दुबहण के अड़रा घोड़ाहरा स्थित SG पब्लिक स्कूल में भी रंगोली प्रतियोगिता हुई। इसी क्रम में बलिया सिटी के चंद्रशेखर नगर स्थित शक्ति स्थल स्कूल पर दीपावली की पूर्व संध्या पर दीपोत्सव कार्यक्रम मनाया गया। बच्चों ने उत्तम रंगोली बनाकर दीपों से उसे सजाया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष यदुवंशी के आह्वान पर छोटी दीपावली के अवसर पर शहीद परिवारों के आवास पर शनिवार को दीप प्रज्वलित किया गया। दुभण गांव के उड़ी हादसे में शहीद RK यादव के आवास पर उनके परिजनों से कार्यकर्ताओं ने भेंट मुलाकात की। मिलते हैं फिर लेटेस्ट अपडेट के साथ संजीवत में। धन्यवाद।